गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने राइटर टू को सही प्रकार से सीखा होगा, क्योंकि राइटर टू यहीं पर पूरा होता है। अगले क्लास में आप सभी का प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद कंप्यूटर शिक्षा के द्वारा आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। आज की क्लास में आप सभी राइटर टू में जो सिखाया गया है उन सभी ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन का रिवीजन करेंगे। क्या मुझे बता सकते हैं कि स्टेटस बार से क्या होता है? स्टेटस बार पेज का स्टेटस दिखाता है कि आप किस पेज पर काम कर रहे हैं और आपके पास कितने पेज हैं, आप कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हैं और आपने कितने जूम किया है, यह सब दिखाता है। क्या आप बता सकते हैं कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स से क्या होता है और राइटर के पेज से नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को कैसे हटाते हैं? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर वह कैरेक्टर होते हैं जिसे आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। यह एक प्रकार के स्पेशल सिंबल होते हैं जो राइटर में दिए गए स्पेस और एंटर बटन को दिखाता है। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को हटाने के लिए सबसे पहले व्यू मेनू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर लिखे हुए ऑप्शन को सेलेक्ट करें। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर आपके सीट से हट जाएगी। क्या आप बता सकते हैं कि पेज ब्रेक से क्या होता है? पेज ब्रेक से आप पेज को दो या उससे अधिक भागों में ब्रेक कर सकते हैं अथवा उसे डिवाइड कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट को पेज ब्रेक की मदद से उसे कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हाइपरलिंक का उपयोग क्यों करते हैं? हाइपरलिंक की मदद से आप पेज पर लिंक के द्वारा से किसी भी फाइल को जोड़ सकते हैं। लिंक के द्वारा से आप एक फाइल से अधिक फाइल को पेज पर जोड़ सकते हैं और इनका एक साथ उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो इंटरनेट से भी किसी डॉक्यूमेंट को लिंक के द्वारा जोड़ सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग से क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग से आप लाइन या पैराग्राफ पर किए गए कोई भी फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं और उसे पहले के जैसा कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि टेबल क्या है और इसका उपयोग क्यों करते हैं? टेबल रो और कॉलम को मिलाने से बनता है। यह आपकी मैथ की नोटबुक की तरह दिखाई देता है। क्या आप बता सकते हैं कि मर्ज सेल का उपयोग क्यों करते हैं? मर्ज का मतलब होता है कि मिलाना या एक करना। मर्ज सेल का उपयोग दो या उससे अधिक सेल को एक सेल में करने के लिए करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्प्लिट सेल का उपयोग क्यों करते हैं? स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना या टुकड़े में करना। स्प्लिट सेल से आप एक सेल को एक से अधिक सेल में बदल सकते हैं या टुकड़ों में कर सकते हैं। आप चाहें तो सेल को हॉरिजेंटल या वर्टिकल अलग कर सकते हैं। अब आप कंप्यूटर को ऑन करें और राइटर की फाइल को ओपन करें। क्या आपने फाइल को ओपन कर लिया है या नहीं? अगर नहीं तो आप बताए गए तरीके से फाइल को ओपन करना सीखें। आइए जानते हैं कि आज की कक्षा में क्या रिवीजन करेंगे। अब आप व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल के ऑप्शन का अभ्यास करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आपने व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट और टेबल मेनू के अंदर क्या क्या सीखा? व्यू मेनू के अंदर आपने प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, टूल बार, स्टेटस बार, रूलर और नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के बारे में सीखा। इंसर्ट मेनू के अंदर आपने मैनुअल ब्रेक, स्पेशल कैरेक्टर्स, फील्ड, हाइपरलिंक और हेडर और फुटर के बारे में सीखा। फॉर्मेट मेनू के अंदर आपने डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ, पेज, बुलेट्स और नंबरिंग और चेंज केस के बारे में सीखा। टेबल मेनू के अंदर आपने टेबल इंसर्ट करना, रो और कॉलम को इंसर्ट करना, मर्ज सेल का उपयोग, स्प्लिट सेल का उपयोग, ऑटो फॉर्मेट के बारे में सीखा। क्या आपने राइटर की फाइल को ओपन कर लिया है? अब आप दिए गए लाइन को 10 बार कॉपी पेस्ट करें, लेकिन हर एक
लाइन एक नई लाइन से होनी चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कॉपी पेस्ट का उपयोग कैसे करते हैं। कॉपी पेस्ट करने के लिए आप सभी अपने इस लाइन को सेलेक्ट करें, उसके बाद इसे कॉपी करें। कॉपी के लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करें। जब कॉपी का कमांड उपयोग करेंगे तो आपके शीट पे कुछ कुछ होगा नहीं। जैसे ही आप इसे पेस्ट करेंगे तो जो आपका लाइन हाईलाइट हुआ है वह हट जाएगा, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। क्योंकि हमें इसी लाइन में इसे पेस्ट नहीं करना है, इसलिए अपने कर्सर को अगले लाइन में लेकर आएंगे। उसके लिए एंटर बटन का उपयोग करेंगे, जिससे कि यह नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर आप पेस्ट का कमांड कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करेंगे, जिससे कि आपका दूसरी लाइन आ जाएगी। फिर से एंटर बटन का उपयोग करेंगे, तीसरी लाइन को पेस्ट करेंगे कंट्रोल प्लस वी के द्वारा। फिर चौथे लाइन में एंटर करेंगे, कंट्रोल वी का उपयोग करेंगे, चौथी लाइन पेस्ट हो जाएगी। इसी तरह से फिर पांचवी लाइन को भी पेस्ट करेंगे, फिर एंटर बटन का उपयोग करेंगे, फिर शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करेंगे, फिर एंटर बटन का उपयोग करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर एंटर बटन का उपयोग करेंगे, फिर पेस्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करेंगे, पेस्ट कर देंगे। फिर अगली लाइन में जाएंगे, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इस तरह से आप 10 लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आइए अब फील्ड ऑप्शन का रिवीजन करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि फील्ड्स ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? फील्ड से आप अपने पेज पर डेट, टाइम, पेज नंबर, ऑथर नेम, टाइटल इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप दूसरी लाइन के बाद आज की डेट इंसर्ट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फील्ड्स के उपयोग से डेट को कैसे इंसर्ट करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को दूसरी लाइन के आगे रखें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद इंसर्ट लिखे हुए ऑप्शन पे पॉइंटर को लेकर आए, फिर आप फील्ड्स लिखे हुए ऑप्शन पे जाएं और क्लिक कर दें, जिससे कि आज का डेट इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। आइए अब हेडर और फुटर रिवीजन करते हैं। क्या आप बता सकते हैं हेडर और फुटर से क्या होता है? हेडर से आप पेज के टॉप में हेडिंग लगा सकते हैं। अगर आप पेज के टॉप में कोई टाइटल देना चाहते हैं तो हेडर की मदद से दे सकते हैं। और फुटर से आप पेज के बॉटम में पेज नंबर या डेट को लगा सकते हैं। अब अपने पेज पर हेडर और फुटर इंसर्ट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर हेडर और फुटर का अभ्यास करते हैं। हेडर को इंसर्ट करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को इंसर्ट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं। उसके बाद हेडर लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं पॉइंटर को, और फिर डिफॉल्ट लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि हेडर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हेडर के अंदर हम टाइटल, नाम इत्यादि कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपना नाम या टाइटल को टाइप करें। जैसे कि आज का क्लास आपके प्रैक्टिस का क्लास है, तो यहाँ पे हेडर में हम प्रैक्टिस टाइप करेंगे। उसके बाद स्पेस बार की का उपयोग करेंगे या टैब के बटन का उपयोग करेंगे, जिससे कि आपका कर्सर बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको हेडर के अंदर आज का डेट डालना है, तो आप इंसर्ट पे जाएंगे,
फील्ड्स पे क्लिक करेंगे, डेट इंसर्ट कर देंगे। अगर आपको टाइम इंसर्ट करना है तो स्पेस बार की का उपयोग करें या टैब दबा दें। उसके बाद अपने पॉइंटर को इंसर्ट लिखे हुए ऑप्शन पे लेकर जाएं, फिर फील्ड्स लिखे हुए ऑप्शन पे ले जाएं और टाइम पे क्लिक कर दें, जिससे कि अभी का टाइम इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप हेडर का उपयोग कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि फुटर का उपयोग कैसे करते हैं। फुटर के लिए भी आप सभी अपने पॉइंटर को इंसर्ट लिखे हुए ऑप्शन पे लेकर आए, यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद फुटर लिखे हुए ऑप्शन पे पॉइंटर को लेकर आए और डिफॉल्ट लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपके पेज के नीचे वाले हिस्से में फुटर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फुटर के अंदर हम समरी या पेज नंबर इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें अगर पेज नंबर इंसर्ट करना है, क्योंकि हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, अब हम इसे बीच में लेकर आएंगे, जिसके लिए कि आप टैब बटन का उपयोग करेंगे, जिससे कि आपका कर्सर फुटर के बीच में आ जाएगा। अब हमें पेज नंबर इंसर्ट करना है। अपने पॉइंटर को इंसर्ट लिखे हुए ऑप्शन पे लेकर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फील्ड्स पे जाएंगे, फिर पेज नंबर पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप हेडर और फुटर का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब कैरेक्टर ऑप्शन का अभ्यास करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कैरेक्टर से क्या कर सकते हैं? कैरेक्टर ऑप्शन से आप अपने टेक्स्ट या लाइन को अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आइए कैरेक्टर्स के एक एक ऑप्शन का अभ्यास करें। सबसे पहले आप पहली लाइन को बोल्ड करके दिखाएं। ध्यान रहे, कोई भी फॉर्मेटिंग टूल बार से बोल्ड करके नहीं दिखाएगा। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कैरेक्टर ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि सबसे पहले लाइन को हमें बोल्ड करना है, तो हम अपने पहले लाइन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कैरेक्टर लिखे हुए ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद फॉन्ट लिखे हुए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अब अपने पॉइंटर को हम टाइप फेस ऑप्शन के अंदर लेकर आएंगे, इसके अंदर से हम बोल्ड को सेलेक्ट करेंगे या बोल्ड इटैलिक को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे, जिससे कि हमारा पहला लाइन बोल्ड हो जाएगा, यानी कि बोल्ड इटैलिक हो जाएगा। आइए अब फॉन्ट इफेक्ट का अभ्यास करें। अब आप दूसरी लाइन पर ओवरलाइन करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। अब हमें दूसरे लाइन में अपने पॉइंटर को लाना है, यहाँ पे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फॉन्ट इफेक्ट का अभ्यास करना है। इस लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएंगे, कैरेक्टर लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद फॉन्ट इफेक्ट लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलाइनिंग करना है, तो हम अपने पॉइंटर को ओवरलाइनिंग लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएंगे, यहाँ पे यहाँ से क्लिक करेंगे, इसका बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर से हमें जो भी चाहिए, सिंगल, डबल, बोल्ड, डॉटेड बोल्ड, उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे, तो आपके दूसरे लाइन पे ओवरलाइन आ जाएगा। इस तरह से आप ओवरलाइन का उपयोग कर सकते हैं।
अब आप तीसरी लाइन पर कैरेक्टर सब मेनू के बैकग्राउंड ऑप्शन का अभ्यास करें और यह भी बताएं इसे क्या होता है। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। अब आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कैरेक्टर सब मेनू के बैकग्राउंड ऑप्शन का अभ्यास कैसे करेंगे और इससे क्या होता है। तीसरे लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद से अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर आप कैरेक्टर लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर अपने पॉइंटर को बैकग्राउंड लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि एक कलर का बॉक्स आएगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको जो भी कलर अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर ओके के बटन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपके तीसरे लाइन के पीछे का कलर चेंज हो जाएगा। अब आप फोर्थ लाइन पर बॉर्डर को लगाकर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। अब आपको चौथे लाइन में बॉर्डर लगाना है। इसके लिए आप अपने चौथे लाइन को सेलेक्ट करें, उसके बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पे लेकर आए, फिर पैराग्राफ पर क्लिक करें। उसके बाद एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर बॉर्डर लिखे हुए ऑप्शन पे पॉइंटर को लेकर आए, यहाँ पर क्लिक कर दें, क्योंकि चौथे लाइन पे बॉर्डर लगाना है। इसमें से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसे ओके कर देंगे, जिससे कि आपके चौथे लाइन पे यह लाइन आ जाएगा, यानी कि बॉर्डर लग जाएगा। इस तरह से आप बॉर्डर का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सभी एक टेबल को इंसर्ट करें और फिर उसमें सेल्स की लिस्ट बना के दिखाएं। अब आप सभी अपने टीचर को अपने फाइल दिखाएं, क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप अपने फाइल को क्लोज करें और कंप्यूटर को शट डाउन करें। आज की कक्षा में आप सभी ने व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट और टेबल के ऑप्शन का रिवीजन किया, जो आप सभी पिछली क्लास में सीखे थे। नेक्स्ट क्लास में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी उपस्थित रहें, नहीं तो आप अगला राइटर या अगले भाग में नहीं जा सकते हैं। और प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद आप सभी का रिटन टेस्ट होगा, जो बहुविकल्पीय होगा।